हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आज का टास्क है वो आपका क्या है, और आज से आपको डेली टास्क मिला करेगा। और आज डेट कितनी है? आज आपको डेट देखने को मिलेगी 19 जुलाई। तो 19 जुलाई को देखते हैं कि आज आपको क्या पढ़ना है। आज से आपको मैपिंग टास्क की कुछ लोकेशन भी दी जाएंगी अलग से। अब डेली आपको मिला करेंगे लगभग 10 से 15 लोकेशन। तो चलिए देखते हैं, ये जो टास्क है बहुत ही सिस्टमेटिक रूप से डिजाइन किया गया। अगर आप लोग यूपीएससी और स्टेट बीसीएस की तैयारी करते हैं तो आप इस टास्क को फॉलो कर सकते हैं। आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, आपको कितने दिनों में कौन सी बुक पढ़नी चाहिए तो ये भी आपको पता चल जाएगा। इससे आपको टेंशन नहीं लेना है कि हमें एनसीईआरटी हमको एक दिन में कवर करनी चाहिए, एक महीने में कवर करनी चाहिए, या फिर हमको 3 महीने में, 4 महीने में। ये डाउट रहता है ना, ये डाउट आपका खत्म हो जाएगा कि आपको इतना पढ़ना ही पढ़ना है, और 1 साल के अंदर आपका पूरी की पूरी जो प्रिपरेशन है वो भी आप लोगों की हो जाएगी। तो अभी देखिए जुलाई का महीना चल रहा है, इसमें आप लोगों का ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट है, इसकी एनसीईआरटी आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए दी जाती है। इसके अलावा आप लोगों की क्लासेस भी चलती हैं, अभी आप लोगों के लिए बता भी देंगे। तो देखिए आज आज का जो टास्क है उसमें आपको क्या करना है। तो देखिए ये जो एनसीईआरटी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगी। ये टास्क नंबर 6 आपको देखने को मिलेगा, और आपको डे 14 देखने को मिलेगा, मतलब 14वां दिन है आज आपको जो टास्क दिया जा रहा है उसका। और ये टास्क अब डेली मिलेगा, डेली आप लोग सुबह 8 बजे आएंगे, कितने बजे, 8 AM पर इसी चैनल पर आप लोगों के लिए एक वीडियो मिल जाया करेगी, 5 से 6 मिनट की मिला करेगी, रिकॉर्डेड वीडियो हुआ करेगी, आ करके देख लिया करिए। देखिए जैसे आज आपको ज्योग्राफी एनसीईआरटी 11th का, जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आपको नोट्स भी बनाने, देखिए अभी तक जितने भी हमने बुक पढ़ाई थी, मतलब दी थी आप लोगों के लिए, तो हमने उसमें नहीं कहा था कि आप लोग नोट्स बनाइए, लेकिन इसका नोट्स बनाना अनिवार्य से अनिवार्य है, आप लोगों को बनाना ही बनाना है इसका नोट्स। ओके, तो देखिए इसमें आज आपको क्या पढ़ना है। तो आज आपके लिए लेसन 1, लेसन 2 और लेसन 3, आपको 3 लेसन ही सिर्फ प्रिपेयर करने हैं, ज्यादा दबाव नहीं लेना है। बहुत कम टास्क आप लोगों के लिए अभी दिया जाता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखने को मिलेगी, नोट्स जरूर बनाइएगा। पहली बार में समय तो लगेगा आप लोगों का, बोल रहे हैं अभी समय तो लगेगा, लेकिन इन फ्यूचर अगर आप लोगों ने नोट्स बना लिए ना, आप समझ लीजिए कि राजा बाबू बन जाएंगे। आपको जब पेपर आएगा ना, क्विक रिविजन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, और ये एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैपिंग टास्क है, तो आपको देखिए जो ट्रांस हिमालय है, वैसे हमने आपको पढ़ाया भी था पहले, इस वाले बैच में अभी हम नहीं पढ़ाए, ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे तो आप लोग वो पढ़ाएंगे, ठीक है। ट्रांस हिमालय है तो आपको इस तरह से रेंज आपको देखने को मिलेगी, जैसे ट्रांस हिमालय, फिर एक इस तरह से ग्रेटर हिमालय देखने को मिलेगा, फिर आप लोग थोड़ा सा आएंगे तो मिडिल हिमालय आपको, फिर आपको शिवालिक हिमालय इस तरह से देखने को मिलेगा। देखिए इस तरह से आपको कुछ भारत है इस तरह से देखने को मिलेगा। तो देखिए इसी में आपको क्या पहले देखना है, ट्रांस हिमालय रेंज है जो फर्स्ट वाली आपको देखने को मिलेगी, ट्रांस हिमालय रेंज है, इसमें कुछ आपको रेंजेस देखने को मिलेगी। इसमें पूछ रहे हैं जैसे काराकोरम कहाँ पर है, लद्दाख रेंज कहाँ पर है, जास्कर रेंज कहाँ पर है, और काराकोरम रेंज में ही आपको माउंट केटू देखने को मिलेगा, उसको भी आप लोगों के लिए सर्च करना है। इसी तरह से आपको ग्रेटर हिमालय में आपको कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन वो आपको सर्च करनी है। ये आप लोग हाई क्वालिटी में वीडियो कर लीजिएगा, आपको एकदम क्लियर दिखेगा, कितने में, 480 में कर लीजिए, एकदम क्लियर दिखेगा। अभी वीडियो 480 में करिए, बहुत ही छोटी वीडियो होती है, आप लोग 480-720 में करके एक स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, और या फिर आप लोग थोड़ा नोट भी कर सकते हैं। ग्रेटर हिमालय में आपको नागा पर्वत हो गया, केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, नंदा देवी हो गया, धौलागिरी हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, और यहाँ पर मशलम आपको देखने को मिलेगा, गौरी शंकर है, चुहू आपको देखने को मिलेगा, माउंट एवरेस्ट, मकालू, और आपको कंचनजंगा आपको देखने को मिलेगा। ये आपको 12 लोकेशन है ग्रेटर हिमालय की आपको सर्च करनी है, और इसी सीक्वेंस में, इसी क्रम में भी आपको करनी है, क्योंकि ये क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के थ्रू हम आप लोगों को पढ़ाया करेंगे। इसके अलावा लेसर हिमालय है, जिसको आप लोग मिडिल हिमालय के नाम से भी जानते होंगे, इसमें भी आपको 4 लोकेशन आपको सर्च करनी है। मैप में एटलस में आपको मिल जाएगा, आप लोग एटलस खरीद लाइए, अगर आप लोगों के पास एटलस नहीं है, किसी को ऐसे नहीं है कि आप गूगल पे सर्च किया और लिख लिया, नहीं, एटलस आपको लेकर के आना है, उस एटलस में माथा पच्ची करना है, देखना है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, थोड़ा दिमाग खराब होगा, कोई बात नहीं, खराब होने दीजिए, जब अंततः बिल्कुल ना मिले तब आप लोग गूगल का उपयोग करिएगा। क्यों? क्योंकि जब 4-5 बार आप एक लोकेशन को खोजेंगे तो आपको 4 लोकेशन नहीं पता चलेंगे, और फिर जैसे जैसे आप एटलस को पढ़ते चले जाएंगे आपको समय कम लगा करेगा। जैसे अभी आप मानते हैं यहाँ पर जो आपको पीर पंजाल रेंज है तो यही सर्च कर रहे हैं, तो पीर पंजाल की जगह पर आपको बहुत सारी रेंजेस हैं वो आपको दिख जाएंगी, कुछ सिटी के नाम भी दिख जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि कहीं पर वन्य जीव अभ्यारण्य होगा, जैसे कि आपको कॉर्बेट नेशनल पार्क हो सकता है दिख जाए, कोई इंपॉर्टेंट लेक दिख जाए। ओके, तो आपको नई नई चीजें दिखेंगी, तो आप जब भी नेक्स्ट टाइम कोई चीज सर्च करेंगे आप कहेंगे अच्छा मैंने यहाँ पर ऐसी चीज देखी थी, तो आप तुरंत खोलेंगे वही पेज और देखेंगे अच्छा इस बार तो मुझे टाइम ही नहीं लगा। यानी कि स्टार्टिंग में अगर आप एटलस देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको टाइम ज्यादा लगेगा,
बाद में आप डेली 5 से 10 मिनट सिर्फ एटलस को दिया करिए, आपके एटलस प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, अभी आपको 25 मिनट हो सकता है, 30 मिनट लग सकते हैं, बाद में आपको सिर्फ 15-20 मिनट मैक्सिमम से मैक्सिमम बता रहे हैं। ओके, वैसे 5-10 मिनट में आपका एटलस हो जाया करेगा। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा पीर पंचाल रेंज, धौलाधर रेंज, और आपको नागती बाग आपको देखने को मिलेगी, और महाभारत रेंज। ओके, ये रेंजेस, 4 रेंजेस हैं जो आपको मिडिल हिमालय में आप लोगों को सर्च करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट ये लोकेशन आपको देखने को मिलेगी, इनको क्या करना है, सबसे पहले एटलस खोलना है, एटलस में सर्च करना है, एटलस में सर्च करने के बाद में आप लोगों के लिए एक ब्लेम मैप बनाना है, या फिर आप लोग खरीद के लेके आए, फिर उनमें इस तरह से आपको सारी इस तरह से लोकेट करनी है। ओके, तो आप लोग थोड़ा सा लोकेट करिएगा और इनके बारे में पढ़िएगा, बढ़िएगा मत, हम आपको पढ़ाएंगे। ओके, बस आपको लोकेशन ही देखना है, इसके अलावा और सब कुछ हम आप लोगों के लिए पढ़ाएंगे। तो देखिए, आप लोगों के लिए हम 3 बैचेस लॉन्च किए हैं, एक यूपीएससी का, एक यूपीपीसीएस और एक बिहार पीसीएस की। इनकी सभी क्लासेस हैं, वो लाइव क्लासेस आपकी चल दी हैं, ये सारे बैच हैं 27 जून से स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। 3 बजे आप लोगों की पीसीएस की लाइव क्लासेस हैं, वो चलती हैं, और आपकी 6 बजे शाम 6 बजे आप लोगों के लिए क्लास मिलती है, आईएएस की क्लास मिलती है। ओके, डेली 6 बजे और डेली 3 बजे आप लोग आएंगे तो आपको ये क्लास मिलेंगी। और अभी केवल यूपी पीसीएस की ही क्लास पूरे सप्ते हम प्रोवाइड करा रहे हैं, बीपीएससी की हम आपको थोड़ा सा शेड्यूल चेंज कर दिए हैं, बताए थे आप लोगों के लिए कि अब आप लोगों के लिए बीपीएससी की, यूपीएससी के बाद में क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी, पहले आपकी 3-3 दिन चलती थी। इसके अलावा करंट अफेयर की, और 8 बजे आप लोगों के लिए 8 AM पर आपको ये वाली वीडियो मिलती है जो अभी आप लोग देख रहे हैं। ओके, इसके अलावा देखिए यहाँ पर सेपरेट हमने जो क्लब आई सस्पेंड अपना चैनल है, इस पर सेपरेट आप लोग देख सकते हैं कि प्लेलिस्ट बनी हुई है, जैसे टास्क वाली है तो टास्क वाली में आकर के आप देख सकते हैं, इसी तरह से आईएएस वाली है, इसमें आईएएस वाली सभी क्लासेस आपको दिख जाएंगी, इसी तरह से पीसीएस वाली, इसमें पीसीएस की सभी क्लासेस आप लोगों को दिख जाएंगी, कौन सा सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट के बाद में चलेगा ये आप लोग इस तरह से देख सकते हैं। सारा बहुत बहुत ही सिस्टमेटिक रूप से सब कुछ डिजाइन किया गया है। आप लोग ये आई कार्ड चाहते हैं तो आप लोगों के लिए फॉर्म फिल करना होगा, ये वाली वीडियो है जाकर के देख लीजिए, इस वीडियो का लिंक है वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए वहां मिल जाएगा, या फिर व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करिए, वहां पर भी लिंक शेयर कर दिया जाएगा, फॉर्म फिल कर दीजिए, फिर आप लोग का आई कार्ड बन जाएगा, प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अभी आप लोग क्योंकि जो फॉर्म है फिल करेंगे उसके बाद में 6-7 दिनों के बाद आपका आई कार्ड मिलेगा आप लोगों के लिए, लेकिन तब तक आप लोग एक पब्लिक ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, वहां पर SMS बंद करके रखे गए हैं, और जो प्राइवेट ग्रुप है वहां पर SMS खोल दिए जाते हैं, तो प्राइवेट ग्रुप में सिर्फ उनको ही ऐड किया जाता है जो फॉर्म फिल करते हैं, फॉर्म फिल करने के बाद में वहां पर आते हैं। ओके, चलिए अभी इस क्लास को यहाँ पर ही फिनिश करते हैं। ओके, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एकमात्र हमारे एक ऐसा चैनल है जहां पर आप लोगों के लिए क्लब पर बताया जाता है कि आज आपको क्या पढ़ना है, क्या रिविजन करना है, सब कुछ ए टू जेड, और बहुत ही प्रीमियम से प्रीमियम क्लासेस आपको ऑफलाइन क्लासेस की तरह आपको प्रोवाइड कराई जाती है, नोट्स आपको बनवाए जाते हैं, डिक्टेट कराया जाता है, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। चलिए इस वीडियो को यहाँ पर